आज हम जानेंगे अमेजन जंगल में रहने वाले 10 खतरनाक जानवरों के बारे में। दोस्तों, अमेजन जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। यह इतना बड़ा है कि पूरी पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन तो ये अकेले खुद उत्पन्न करता है, और इसलिए अमेजन जंगल को पृथ्वी का हार्ट भी बोला जाता है। अमेजन जंगल इतने ज्यादा घने हैं कि यहाँ पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती है, और इस बात से आप पता लगा सकते हैं कि जंगल कितना खतरनाक होगा और अमेजन जंगल में कितने खतरनाक जानवर रहते होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उन खतरनाक जानवरों के बारे में। नंबर 10 पर है साउथ अमेरिकन रैटल स्नेक। यह सांप दुनिया के खतरनाक सांपों में से एक है, और यह सांप लैटिन अमेरिका में पाए जाते हैं तथा इनके जहर इतने खतरनाक होता है कि वह एक झटके में इंसानों को मार सकता है। नंबर 9 पर है हार्पी ईगल। अमेजन रेन फॉरेस्ट में यह खतरनाक ईगल पाया जाता है। यह ईगल बहुत ही फुर्तीला और अपने वजन से 2 गुना वजन और अपने पंजों में लेकर उड़ने की क्षमता रखता है, और इनका साइज बहुत ही बड़ा होता है और सिर्फ पंख की लंबाई ही 3 फीट के करीब होता है, और तथा इनके वजन 5 से 6 किलो होता है। ज्यादातर यह बंदरों को अपना शिकार बनाना पसंद करते हैं। नंबर 8 पर है ब्राजीलियन वंडरिंग स्पाइडर। ब्राजीलियन मकड़ी को दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी भी कहा जाता है। इस मकड़ी के वैज्ञानिक नाम फोनिट्रिया का अर्थ जहरीला होता है। इस मकड़ियों को भटकती मकड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि यह मकड़ी रात के समय जाला बनाती है और फिर जंगल में भटकती रहती है। इस मकड़ी का जहर जैसे ही हमारे शरीर में जाता है वैसे ही तीव्र दर्द होना शुरू हो जाता है, और फिर धीरे धीरे वे हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है और शिकार मौत के भेंट चढ़ जाता है। वहीं नंबर 7 पर है पॉइजन डार्ट फ्रॉग। ऊपर के चित्र में हम देख सकते हैं कि मेंढक भले ही आपको खूबसूरत और अच्छा दिख रहा हो, लेकिन वास्तव में जितना आपको ये अच्छा दिख रहा है उतना ही ये खतरनाक है। अमेजन के जंगलों में पाए जाने वाले ये मेंढक के जहर में एक साथ 10 लोगों को मारने की क्षमता होती है। जहरीले मेंढक अलग अलग रंग के हो सकते हैं। अमेजन रेन फॉरेस्ट में लगभग 120 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है जो काफी ज्यादा जहरीली होती है। खास करके ये जहरीले मेंढक बारिश के मौसम में बाहर निकलते हैं, और वहाँ रहने वाले स्थानीय लोग तथा घूमने वाले जाने वाले हमेशा इस जीव से दूर ही रहते हैं। अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो इनसे दूर ही रहने में आपकी भलाई होगी। नंबर 6 पर है अमेजोनियन जायंट सेंटीपेड। अमेजोनियन जायंट सेंटीपेड अमेजन रेन फॉरेस्ट का एक प्रचलित कीड़ा है। यह जीव भारत में दिखने वाले कान खजूरा की एक प्रजाति है। सेंटीपेड खासकर इसके बड़े आकार और ढेर सारे दिखने वाले बड़े पैरों की वजह से प्रचलित है। अमेजोनियन जायंट सेंटीपेड की लंबाई की बात करें तो यह लगभग 30 सेंटीमीटर जितना होता है, और यह जीव भूख लगने पर हर किसी को अपना शिकार बना लेता है। वह अपने से छोटे जीवों को जैसे कि मकड़ियाँ, तितलियाँ और भी बहुत ही सारे जीवों को अपना शिकार बनाता है। कई बार सांपों और मेंढकों को भी नहीं छोड़ता है। ज्यादातर अमेजोनियन जायंट सेंटीपेड रात को अपना शिकार ढूंढता है, और इसलिए इनका सामना इंसानों से नहीं होता है। लेकिन अगर वह इंसानों को काट लेते हैं तो उसके कई सारे साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं, जैसे कि तीव्र जलन और दुखाव के साथ साथ और भी कई सारे साइंटिक इफेक्ट दिखाई देते हैं। वहीं नंबर 5 पर है वाइल्ड वाटर रिवर। अमेजन रेन फॉरेस्ट में एक खतरनाक नदी बहती है जिसका तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, यानी कि इस नदी का पानी आपको उबलता हुआ नजर आएगा। यहाँ का पानी इतना गर्म है कि अगर गलती से आप भी इस पानी में गिर जाए तो कुछ सेकेंड में आपका भर्ता बनना निश्चित है। नदी के आसपास रहने वाले कुछ जाति के लोगों में से किसी की मृत्यु हो जाए तो वह उसे जलाते या दफनाते नहीं है, बस इसे इस उबलती हुई नदी में फेंक देते हैं, और कई लोग इस नदी को स्वर्ग का द्वार भी मानते हैं। वही नंबर 4 पर है ब्लैक कैमन। ब्लैक कैमन मगरमच्छ की एक प्रजाति है। ज्यादातर यह जीव कम पानी के बहाव वाले इलाके और अमेजन रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं।
ब्लैक कैमन को अमेजन जंगल का सबसे बड़ा शिकारी भी कहा जाता है। ज्यादातर यह मछलियों को अपना शिकार बनाते हैं और इसके अलावा कोई भी पक्षी या स्तनधारी जीव भी अगर इसके इलाके में आ जाए तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ते। ब्लैक कैमन ने जनवरी 2008 से लेकर के अक्टूबर 2013 तक तकरीबन 43 लोगों की जान ली थी और कई बार तो यह एनाकोंडा से भी भिड़ जाते हैं। ब्लैक कैमन जमीन के रंग के होते हैं जिसकी वजह से वह आसानी से छिप जाते हैं और अपने शिकार को पता भी नहीं लगने देते। इनके पास तेज धारदार नुकीले दांत होते हैं जो किसी को भी चंद सेकंड में खत्म करने की क्षमता रखते हैं। नंबर 3 पर है ग्रीन एनाकोंडा। इस प्राणी के बारे में ज्यादातर बताने की जरूरत नहीं है। एनाकोंडा कितना खतरनाक होता है इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी हैं, जिसमें से आप इसका खतरनाक स्वरूप देख सकते हैं। एनाकोंडा भी अमेजन जंगल में रहने वाला एक खतरनाक जीव है जिसकी लंबाई 9 मीटर तक होती है तथा इसकी मोटाई की बात करें तो 12 इंच से भी अधिक हो सकती है। एनाकोंडा जहरीला सांप तो नहीं होता है लेकिन वह अपने शिकार को उससे भी खराब मौत देता है। आमतौर पर वह शिकार के गर्दन को निशाना बनाता है और फिर उसके बाद उसे सीधा पेट में निकल जाता है। एनाकोंडा को खाना पचाने में 5 से लेकर के 7 दिन तक का वक्त लगता है और यह जानवर जमीन पर उतरने फुर्तीले नहीं होते जितने ही वह पानी में होते हैं। ज्यादातर वह पानी में या फिर दलदल में घाट लगाकर हमला करने में बहुत ही ज्यादा माहिर होते हैं। नंबर 2 पर है पिराना मछली। अमेजन नदी के आसपास में रहने वाले आदिवासियों के हिसाब से यह मछली उतना खतरनाक नहीं है लेकिन उससे इलाज भी नहीं कर सकते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक पिराना मछली द्वारा किए गए 30 हमलों में से हर एक इंसान की मौत होती है। पिराना मछली अमेजन के जंगलों में पाई जाती है और आमतौर पर हम पिराना मछली को फिल्मों में तथा टीवी में देखते हैं। पिराना मछली को एक खतरनाक शिकारी भी माना जाता है। हालांकि यह मछली इंसानों का शिकार आमतौर पर नहीं करती लेकिन लाल रंग के पेट वाली पिराना मछली इंसानों का शिकार करने से कभी भी पीछे नहीं हटती है। यह मछली अपने मजबूत जबड़े और नुकीले दांतों की वजह से प्रचलित है। ज्यादातर यह मरे हुए प्राणी को अपना शिकार बनाती है और पानी में ताजा खून की खुशबू आते ही वह उसका शिकार कर लेती है। वहीं नंबर 1 पर है बुलेट एंट। बुलेट एंट चींटी को आपने दिखने में भले ही वह छोटी लग रही हो लेकिन इसके छोटे कद के झलावे में आकर इसके तक को नजरअंदाज करना बिल्कुल भी गलत है। कि यह चींटी दिखने में बिल्कुल एक सामान्य चींटी की तरह दिखती है पर इनका काटना किसी बंदूक की गोली लगने के बराबर होता है, इसलिए शायद इस चींटी का नाम बुलेट एंट रखा गया है। बुलेट चींटी अमेजन रेन फॉरेस्ट के साथ साथ मध्य और दक्षिणी अफ्रीका में भी पाई जाती है। हालांकि इन चींटियों के काटने से आपकी मौत तो नहीं होती है लेकिन इनका डंक बंदूक से निकली बुलेट जितना दर्द देता है और यह दर्द 24 घंटे तक रह सकता है। इसलिए अगर अमेजन जंगल में बुलेट एंट दिखे तो कृपया उनसे दूरी बनाकर रखें। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो जन जंगल में रहने वाले 10 खतरनाक जानवर आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही अनोखे वीडियो देखने के लिए आप हमें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें नीचे कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं।